तो अब हम देखते हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स एक्चुअली होते क्या है, डिफाइन किया है दो बार में, एन अनब्रोकन फ्लैट लैंड दैट नॉर्मली लैक्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर नोन एज प्लेन। मतलब कि ये कैसा, मतलब बिना टूटा हुआ, मतलब सतत, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लैट लैंड, मतलब इस तरीके का, मतलब समतल जो है भूमि या जमीन या हाँ भूमि कहेंगे, ठीक है, कि जिसमें क्या हो कि इसमें नॉर्मली किस चीज़ की कमी हो, एलिवेशन की, मतलब कि इसमें जो है ढाल वगैरह जो ऊंचाई वगैरह है इसकी कमी हो, मतलब ऊबड़ खाबड़ ना हो, एंड डिप्रेशन, और ये जो है जो गहराई होती है, मतलब ना तो ये ऊंचा हो और ना ही गहरा हो, ठीक है। ऐसी जो लैंडमास होती है उस लैंडमास को क्या बोलते हैं, उसको हम प्लेन बोलते हैं। अब ये प्लेन जो है कितने टाइप का होता है, तो तीन टाइप के मेनली प्लेन्स हैं, और इन तीनों टाइप्स को बारे में बताया हुआ। पहला है इरोजनल प्लेन, ठीक है, तो इरोजनल प्लेन कैसे बनता है, ये जो है बनता है ड्यू टू इरोजन। इरोजन क्या होता है, तो इरोजन जो है जब कहीं भी किसी भी रॉक में ये होता है, मतलब वो रॉक टूटती है और टूटने के बाद से वो हवा या पानी के द्वारा जो है बहा करके ले जाई जाती है, ठीक है। तो इससे जो वहाँ पे मतलब जगह बसती है वो इरोडेड हो गया, ठीक है, तो जो रॉक बची वो जो है समतल हो गई। तो इसी से जो है आप देखोगे तो जब माउंटेन्स पे रिवर्स जब फ्लो करती हैं, तो फ्लो करेगी तो क्या होगा कि वहाँ से जब चलेगी तो अपने साथ जो है ढेर सारा मलबा जो है वो वेस्टेज है अपने साथ लेकर के चलेंगी, और उससे जो है इरोजन होगा, ठीक है। और इसी इरोजन से जो फॉर्म प्लेन्स हुए हैं उनको इरोडेड या इरोजन प्लेन्स बोलेंगे। इसके जो है एग्जांपल्स है कैनेडियन सिल्ट और वेस्ट साइबेरियन प्लेन, ठीक है। कैनेडियन सिल्ट कहाँ पे है, ये जो है कैनेडा में मिलेगा आपको, वेस्ट साइबेरियन रशिया में मिलेगा, क्योंकि साइबेरिया जो है पूरी तरीके से रशिया का ही पार्ट है, ठीक है। दूसरा है डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन तो यहाँ से इरोड हुआ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ले जाके डिपॉजिट किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, और ये जो प्लेन बनेंगे वो प्लेन होंगे डिपोजिशनल प्लेन। जैसे आप गंगा को देखो, ठीक है, या गंगा के ही केस में देखें तो हिमालय या जो भी पर्वतीय अपने जो क्षेत्र है वहां पे क्या है, कंटूर फार्मिंग या इस तरीके की फार्मिंग देखेंगे आप, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं इरोडेड प्लेन्स ही है, ठीक है। या आप जब झेलम को देखेंगे जो मिनांडर्स बनाती है वहाँ पर भी, तो वहाँ का प्लेन भी जो है वो इरोडेड प्लेन ही होगा, ठीक है, जो कश्मीर में प्लेन है, ठीक है। फिर डिपोजिशनल प्लेन के पर हम आते हैं, तो जो गंगा और उसकी जो ट्रीज हैं जो हिमालय से चलती हैं तो अपने साथ ढेर सारा सेडिमेंट ले आते हैं और गैंगेटिक प्लेन को बनाते हैं, उनको उन सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करके यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स बनते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो जो आपका गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का है, सिंधु का है, ऐसे ही वहाँ वो है, नाइल है, ठीक है, मिसिसिपी है, तो इनके जो प्लेन्स हैं ये जिस रीजन से गुजरती, तो ये सारे प्लेन्स जो है इनके नाम पे बने हुए प्लेन्स हैं, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स। तो स्ट्रक्चरल प्लेन्स कौन से हैं, ड्यू टू सबडक्शन आर अपलिफ्टमेंट ऑफ एरिया ऑफ सी फ्लोर और कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो सी फ्लोर क्या होता है, सागर के नितल, ठीक है, सागर नितल मतलब कि समंदर के जो ओशंस हैं, ठीक है, उसके अंदर का जो भाग है वो अगर अपलिफ्टमेंट करके ऊपर आ गया, पानी किनारे निकल गया, ठीक है, गहराई की तरफ चला गया, तो क्या होगा, तो जो ऊपर हिस्सा आएगा वहां का जो प्लेन होगा वो प्लेन कौन सा होगा, स्ट्रक्चर होगा, मतलब वो प्लेन पहले से ही था लेकिन वो सबमर्ज था, ठीक है, सबमर्स किसमें, पानी में, पानी से डूबा हुआ था लेकिन अब वो बाहर आ गया है, ठीक है, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो ये सी फ्लोर के अपलिफ्टमेंट से, और किससे, सबडक्शन से, किसके, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। सबडक्शन मतलब डूबना होता है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी अपलिफ्ट ही करेगा। सबडक्शन का आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ डिप्रेस्ड है पार्ट है और वो प्लेन का मतलब रूप ले लिए हैं, वो
प्लेन फॉर्म में आ गए हैं, तो वो जो है सबट्रैक्शन से बने हैं। कॉन्टिनेंटल सिर्फ क्या होता है कि जो आपका लैंड है, लैंड मास है, कॉन्टिनेंटल पार्ट है, और वो जब शुरू होता है सागर पे डूबता हुआ हिस्सा, ठीक है, तो ऐसा जो है लो ग्रेडियंट का जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा फिगर से, तो ये हिस्सा अगर कॉन्टिनेंट का है, ये कॉन्टिनेंट हो गया आपका, ठीक है, और ये जो है ओशन हो गया। तो ये हिस्सा जो है आपका कॉन्टिनेंट का है, भूभाग है, लेकिन ये हिस्सा क्या है आपका, ये कॉन्टिनेंटल सेल, ठीक है, जो सबमर्ज्ड है पानी में। तो ये अगर अपलिफ्टमेंट हो गया इसका, ये ऊपर उठ गया, तो बनेगा क्या, इससे भी स्ट्रक्चरल प्लेन बनेगा, ये है कॉन्टिनेंटल सेल। ठीक है, तो इससे बने कॉन्टिनेंटल सेल, तो ये कॉन्टिनेंटल सेल से प्लेन स्ट्रक्चर प्लेन। अब ये प्लेन्स जो है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका जो है क्या महत्व है, क्या इनके फायदे हैं हमें, ठीक है। तो पहली चीज कि फर्टाइल सॉइल, जो प्लेन्स होते हैं उनकी सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती है, उपज के लायक होती है, वहां पे हम जो है फसलें लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो पहली चीज ये कि फर्टाइल सॉइल है इनकी, और इसकी वजह से जो है क्या होगा, हमारी फीडिंग के लिए जो है प्रोडक्ट्स जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज क्या, द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ कैसे होगा यहाँ पे, एक्चुअली जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स समतल हैं, और इस वजह से वहां पर कुछ भी बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे मकान बनाना हो तो आप पहाड़ों पे बनाओगे तो पहाड़ों पे मकान बनाना मुश्किल है, लेकिन वही अगर मैदानी हिस्से में प्लेन्स के रीजन में अगर बनाया जाए तो वहां आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या है, एक्सपेंशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सड़क बनाना, रोड बनाना आसान कहाँ पे है, पहाड़ पे है, प्लेट्यू रीजन में है, या फिर प्लेन के रीजन में। तो प्लेन के रीजन में है क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन नहीं है, और एलिवेशन नहीं होने से जो है जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो मीन्स बनाए जाएंगे वो जो है रोड्स वगैरह बनाने में और तमाम चीज़ों में जो है वो आसानी होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो मतलब लोगों के पास इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं, जैसे जो व्हीकल्स वगैरह हैं, वो भी आसानी से यहाँ पे लोगों के पास अवेलेबल होंगे क्योंकि लोग ज़्यादा रहेंगे। अगला है सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के यहाँ पे केंद्र रहे। जैसे आप अगर देखो तो नाइल रिवर के किनारे मिस्र की सभ्यता, ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ एजिप्ट, फिर उसके बाद दसला फरात के पास आपको मिला कौन सी सभ्यता है वहाँ की, मेसोपोटामियन, ठीक है, इराक में। इसके बाद से रोम की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, ठीक है, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता, और फिर आप इंडिया के साइड में आ जाओ तो यहाँ पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सारे जो सिविलाइजेशन हैं ये कहाँ पे डेवलप हुई, ये सब जो है प्लेन रीजन में ही डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये जो है प्लेन्स के इम्पोर्टेंस हैं। इसके बाद से ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ठीक है, और लेट्स फाइंड आउट में आपका है नेचर एंड ह्यूमन। तो नेचर एंड ह्यूमन में जो है कुछ सवालात हैं, और ये सवाल हैं कि व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द स्वच्छ भारत मिशन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है स्वच्छ भारत मिशन क्यों शुरू किया, तो इसके पीछे कारण क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ठीक है, और इससे क्या फायदे हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन, ऑब्वियस सी बात है कि स्वच्छ भारत मिशन में जो है स्वच्छता का ध्यान दिया जाएगा, और जब स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा तो क्या होगा, इससे बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्लीन होगा, ठीक है, क्लीन होगा, सुंदर दिखेगा, सब कुछ अच्छी दिखेंगी, ऐसी चीज
अच्छे से दिखेगा। तो क्या होगा कि जब चारों तरफ अच्छी चीजें होंगी तो फिर जो है जो दिमाग है उसमें भी अच्छे आइडियाज आएंगे, ठीक है। तो हमारे विचार जो है वो अच्छे होंगे, सफाई से हमारे दिमाग में भी अच्छे विचार आएंगे। और क्या होगा, सफाई जब रहेगी तो बहुत सारे पैथोजन्स जो गंदगी में पनपते हैं वो नहीं पनपेंगे, और इससे ढेर सारे रोग जो होते हैं लोगों को वो नहीं होगा। जब रोग नहीं होगा तो क्या होगा, जब रोग होता है तो लोग खुश नहीं होते, गाना नहीं गाते हैं। जब रोग हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, तकलीफ में रहते हैं, कराहते हैं, रोते हैं, ठीक है। तो उन तकलीफों से लोग बच पाएंगे। और क्या होगा, सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है लोगों की बीमारी के निदान में, उसके जो है समय समय उसको उसको क्योर करने में, ठीक है। तो ये भी होगा कि लोगों के इलाज के लिए जो पैसे खर्च होते हैं वो पैसे खर्च नहीं होंगे, तो सरकार वहाँ पर पैसे बचाएगी तो दूसरे जगहों पे खर्चा करेगी, जैसे एजुकेशन में खर्चा कर लेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर लेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कर लेगी, और भी बहुत सारे काम है जिसपे पैसे गवर्नमेंट खर्च कर सकती है, ठीक है। तो ये सारे जो है फायदे होंगे स्वच्छ भारत मिशन के, ठीक है। दूसरा जो है वो क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी अवॉइड यूजिंग नेचर इन ए केयरलेस मैनर, क्यों हमको जो है केयरलेस, मतलब केयरलेस मतलब कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से, ठीक है, हम ध्यान ना दें, हम जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनको खर्च करें, इसको क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली इस चीज़ को हमें इसलिए अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि अगर हम नेचुरल थिंग्स को इस तरीके से अब्यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारे बाद की जो जनरेशन है उसके लिए हम कुछ नहीं बचा पाएंगे, ठीक ना। तो फिर मुश्किलात जो है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को होगी, ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं को होगा। हमें जो है जब हम इसको अब्यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, तो उससे ये भी होगा कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करने लगेंगे और इससे लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी होगा, ठीक है। और जब इनकी कमी होगी तो क्या है कि आगे चल करके हमें जो है वो हार्डशिप फेस करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है केयरलेस तरीके से नहीं बल्कि केयरफुल तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, और इसी को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी यूज द लैंड इन अ बेटर वे, जमीन को हम जो है अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो लैंड को हम बेटर तरीके से कैसे यूज करेंगे, पहले हमको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी हम प्लान करके करेंगे किसी काम को तो वो चीज़ें हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अगर हमें घर बनाना है तो हम घर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे घर बनाएंगे, ये नहीं कि बाजू वाले से दीवार एकदम सटा लिया। तो जब थोड़ा सा गैप रहेगा तो खिड़कियां लगाएंगे, खिड़कियों को लगाने से ये होगा कि बिजली का खर्च हमारा बचेगा क्योंकि खिड़कियां खोल देने से लाइट आएगी, एयर आएगा, तो हमें एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खिड़कियों से अच्छी हवा आ जाएगी। आसपास गार्डन लगा लेंगे तो उससे जो है फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें, ताज़ी चीज़ें, फल और सब्जियाँ, ये हमको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये सारा जो है वो बेटर लैंड को यूज़ करने का तरीका है, ठीक है, कि किस तरीके से हम बेटरली इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे अब देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है कि यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वही जो मैंने बताया आपको कि मानव जो है इतना ज़्यादा लालची हो गया है कि वो सारी चीज़ों को जल्दी से यूज़ कर लेना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ। और इसी से जो है क्या होता है कि बहुत सारी जो है कलमिटीज़ होती हैं। होता क्या है कि जैसे अभी आप देखोगे तो 2020 में ही आपको कुछ घटनाएं देखने को मिली थी, 19 लास्ट में अमेजन के जंगलों में आग लगी थी और उस आग ने जो है ढेर सारा जंगल जला दिया, ठीक है। तो ये जो है क्या था, ये जो मानव की एक लिप्सा है कि मतलब वो जो डिज़ायर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें रिसोर्सेज का, इसी के लिए खेती के लिए ब्राज़ील के लोगों ने जो है ऐसा किया था कि हम खेती करेंगे वहाँ पे अगर जला दिया तो, और उसका जो है बुरा परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है। अमेजन के जंगलों को जो है लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके डैमेज होने से अगर हमारा लंग डैमेज होगा तो क्या है कि हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब होगी। तो कहीं ना कहीं पूरे जो वर्ल्ड के लोग हैं उनको वो एडवर्सली मतलब विपरीत तरीके से इफेक्ट करेगा, ठीक है।
तो ये एक एग्जांपल रहा। फिर ऑस्ट्रेलिया में देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से मतलब आग लगी और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें, तो जब भी हम इस तरीके का कुछ करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो नेचर भी उस तरीके का जो है कुछ ना कुछ करती है। और ये चीज़ें हमें देखने मिलती हैं फ्लड और ड्राउट के शक्ल में भी, ठीक है, सूखा और जो बाढ़, तो ये चीज़ें आती हैं। तो इससे भी हमें मुश्किल झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन जो है वो अपने वहाँ आकर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी ही देना, हमारी एक्टिविटी देने है, ये जो है कैसे इफेक्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा जो है हमारी एयर पोल्यूटेड है तो क्या होगा कि हमको बहुत सारी जो है वो क्रॉनिकल डिजीज, लैंग लंग से रिलेटेड डिजीज होंगी, स्ट्रोक्स और भी जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो होंगी। नॉइज पोल्यूशन से क्या होगा, मेंटल प्रॉब्लम्स होंगे हमें, ठीक है। और सॉइल पोल्यूशन से क्या होगा, कैंसर वगैरह जो हो जाता है, वाटर पोल्यूशन से। तो ये सारी मुश्किलात हैं जो हमें जो है फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, अपना क्वेश्चन जो है आपकी क्वेरी जो है रहेगी उसको मैं सॉल्व करूँगा। और कोई भी डाउट हो तो बगैर किसी दिक्कत के आप ज़रूर पूछिएगा।